नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। उज्जैन, उज्जैन जिले की घटिया तहसील क्षेत्र में हजारों क्विंटल गेहूं प्रशासन की लापरवाही के चलते अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। दरअसल यहां शासन की नीति के तहत गेहूं की खरीदी तो बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन भंडारण और परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण यहां हजारों क्विंटल गेहूं पूरी तरह सड़ गया। क्षेत्र के ग्राम मालीखेड़ी में स्थित संतोष बैर हाउस गेहूं उपार्जन केंद्र में 20 गाँव के किसानों का लगभग 2,18,800 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था, जिसमें से लगभग 1,00,000 क्विंटल गेहूं को खुले आसमान के नीचे रखा गया था। बेयर हाउस संचालक भारत सिंह पवार द्वारा जिम्मेदारों को बार बार इस अव्यवस्था से अवगत कराने के बावजूद भी उन्होंने गेहूं नहीं उठाया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप वह गेहूं अब पूरी तरह सरकार मिट्टी में बन चुका है। प्रशासन अधिकारियों और उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों के कारण शासन को लाखों रुपए का ये जो नुकसान हुआ है, यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बारे में SDM का कहना है कि एक जिला स्तरीय टीम गठित करके इस मामले की जाँच पड़ताल कराई जा रही है, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या है कि हर वर्ष यहाँ पर शासकीय गेहूँ की खरीदी जुलाई होती है, और इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण लेट हो गए, जरा लेट कांटे चला इनने, इसलिए यहाँ तुलाई लेट चली और आखिरी तक तोलते रहे ये लोग। और यहाँ जो माल की थप्पियाँ लगी थी, ये माल बाहर उठा नहीं पाए ये लोग। अब ये इकट्ठा हो गया बहुत सारा, इसके कारण क्या है कि उठा नहीं पाया तो पानी गिरने लग गया, पानी का रहा पूरा माल नीचे नीचे का पूरा सड़ गया। ये उठाने में इनकी गलती रही तो सरकार का नुकसान भी हुआ और खेत वाले का भी नुकसान हुआ, ये सारी बात। क्या नाम है? गोपाल प्रजापति, मालीखेड़ी। क्या पत्ते हैं? सरपंच पति। यहाँ से उपार्जन केंद्र में जो तुला हुआ गेहूँ था, ये सोसाइटी ने समय पर उठा के अन्यंत्र किसी दूसरे व्यवहारों से पहुँचाना था, इनको समय पर नहीं पहुँचा पाए तो लाखों हजार बोरियाँ यहाँ सड़ गई। और आज भी यहाँ पे इतनी बोरियाँ पड़ी हुई जो सड़ी हुई सामने दिख रही है टोटल, ये वो खाद बन गया और ढेर सारी पड़ी। उस टाइम पर मैंने इनसे बोला भी था, सोसाइटी वाले प्रबंधक को, रघुवीर सिंह को, आप ये जल्दी उठवाओ, यहाँ से सड़ जाएगा, इसका जवाबदार तुम हो। और जवाबदारी इन्हीं की रहती है, व्यवहारों से बाहर हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहती। फिर भी वो हमने खेत आज तक नहीं जोता, जो मुझे 2-3-4 लाख का नुकसान, 4 लाख का लगभग तो हो ही गया। गेहूं और सोयाबीन की फसल हम नहीं कर पाए इसमें, और अब इस बंजर भूमि को अब जोते ही करेंगे हम। 15 दिन के अंदर अंदर में इसको जोत दूंगा, 15 दिन में शासन अगर आती है यहाँ पर चेक करने तो ठीक है, तो फिर साक्ष्य नहीं मिलेगा इनको गवर्नमेंट को, क्योंकि ये सब सड़ा गेहूं सब जुताई में हो जाए। खाद्य विभाग से आए थे मारू साहब, और उनके साथ में सेंगर साहब भी थे, तो उन्होंने सोसाइटी वाले रघुवीर सिंह को बहुत डांटा था आके कि तुम जल्दी उठाओ इसको, तो तुम्हारे मत्थे पड़ेगा और तुम्हारी प्रॉपर्टी से हम वसूल करेंगे, ये माल जल्दी जल्दी हटाओ। उन्होंने काफ़ी डांटा था इनको, और उसके बावजूद भी नहीं, उसके बावजूद नहीं हटाया इन्होंने गेहूँ। हो सकते हिदायत देख गए थे मारू साहब और सेंगर साहब दोनों आगे, मेरे सामने में ही खड़ा हुआ था, मेरे से कहा उन्होंने कि इनकी मदद कराओ आप, तो हम भी और हमारे लोग बुलवा बुलवा करवा दिया। आज तक हमाली नहीं दी इन्होंने, 2,18,000 बोरी की हमाली नहीं दी है, हमारी बाकी है इन लोगों की, हमारों की डेली परेशान हो रहे हमारे लोग। लगभग कितने बीघा जमीन होगी ये? 8 बीघे जमीन है, 8 बीघे जमीन में अभी बंजर होकर पड़ी हुई है ये उपार्जन केंद्र की वजह से, यहाँ पर गेहूँ सड़ गया पूरा। मेरा नाम भारत सिंह पमार है, ये अपने वेयरहाउस संतोष वेयरहाउस में देखता हूँ। बताएं क्या काम करते थे और आप किस प्रकार से आपको यहाँ पर राशन मिली? जी, मैं एक मुकरदम हूँ सारे माल के, और ये मालिकेरी सोसाइटी में गेहूँ तुला तो उपार्जन केंद्र का, तो यहाँ पे 12 से 14 क्विंटल लगाए थे, तो करीब करीब 2,18,000-19,000 बोरी तुली हुई थी। इसके बाद में अभी तक हमाल के पैसे नहीं मिले हैं, सारे हमाल हमारे घर पे आते हैं, वो बोलते हैं पैसे के लिए, और अभी तक उन्होंने भी एक रुपये भी नहीं दिए। पैसे बने होंगे टोटल आपको अभी तक? ये हिमालय के करीब करीब पैसे बने अपने 15 लाख रुपये। तो आपको अभी तक कितना पैसा दिया? हमें सिर्फ 2 लाख रुपये मिले हैं। कितने हमालों के लिए? ये करीब 80-90 हमाल थे, 14 घंटे चल रहे थे। तो आपने जब सोसाइटी के प्रबंधक या सचिव से बात करी तो उनका क्या कहना है? बोला था उन्होंने कि हाँ बस तुम काम करो, हम देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। एक दो बार कांटे भी बंद करवाए थे तो सिर्फ 2 लाख रुपए दिए उन्होंने कि बाकी सब काम पूरा हो जाएंगे फिर दे देंगे। वो भी 2 लाख भी साहब तहसीलदार साहब ने दिलवाए थे, तहसीलदार साहब आए थे यहाँ पे, हमने कांटा बंद करे थे
उन्होंने आके बोला था कि हम दिलवाएंगे, तो 2 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। हाँ जी बताएं, ये आपके पैसे के लिए क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं साहब, आप रोज घर पे आते हैं और पैसे की बोलते हैं, परेशान करते हैं, तो मैं तो उनके मारे तंग हो गया हूँ। अगर जो मेरा पैसे नहीं देंगे तो मेरे को आगे के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा, कदम उठाएंगे या अगर कुछ कर गए। अभी कोरोना महामारी चल रही है, दूसरा काम भी नहीं है हमारे पास। अगर जो हमारे वक्त पैसे नहीं मिलेंगे तो हमको कुछ कदम उठाएंगे, और इसकी जवाबदारी के तो सेक्रेटरी साहब रहेंगे या फिर कोई अधिकारी उन रहेंगे। आपका नाम बता? मेरा नाम नागू सिंह है। ये पिछले उपार्जन वर्ष का मामला बता रहे हैं, आप लोग के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इस बारे में जो प्रशासक हैं सोसाइटी के, उनसे मेरे द्वारा जो है भी चर्चा की जाएगी और उनसे वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन लिया जाएगा कि किस वजह से जो है भुगतान रोका गया है, उसको दूर करते हुए भुगतान इनका करवाया जाएगा। सर, कुछ गेहूँ भी वहाँ पर गीला हुआ था, किस प्रकार की कार्रवाई इसमें की जाएगी? इस संबंध में एक जिला स्तरीय टीम गठित की गई है जो जांच करके और वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन जो है प्राप्त करेगी, जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वहाँ पर स्थिति है। खबर समय जगत के लिए घटिया से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।